गुड मॉर्निंग साथियों और आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी ने जितने मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन पूछे हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे ठीक है ना तो डिटेल से तो अभी मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में लेकिन फिर जैसे जैसे आगे प्रैक्टिस सेट होता जाएगा हर क्वेश्चंस का मैं डिटेल बताता जाऊँगा तो चलिए मध्यकालीन भारत यानी मिड इंडिया से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चनस नहीं है ये फैक्ट हैं इसको घोट लेना है क्वेश्चन इसी से संबंधित आए हैं यहीं पे आए हैं लेकिन मैंने सिर्फ फैक्ट फैक्ट लिख रखा है क्योंकि यहाँ से बीपीएससी में दो से तीन क्वेश्चन जो है ना हमेशा आ ही जाते हैं घूम घाम के आते हैं ठीक है ना टहल घूम के आते हैं तो आपको बस इस फैक्ट को घोट लेना है तो इसको जो है ना मैं सुबह के पाँच बजे रोज़ घोटने वाली क्लास चलाऊँगा तो रोज़ सुबह में इस तरह की क्लासेस आएगी और खूब पढ़िएगा साथ में मेरे तो देखते हैं मुगल का आ, मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है कालीघाट कला पर मुग़ल चित्रकला का प्रभाव नहीं था ठीक है ना क्वेश्चन था कि इनमें से किसके ऊपर में जो है चित्रकला पर मुगल का प्रभाव नहीं था तो देखिए कालीघाट चित्रकला के ऊपर में मुगल कला का या मुगल प्रशासन का क्यों प्रभाव नहीं था तो देखिए कालीघाट चित्रकला का जो क्षेत्र था वो पश्चिम मध्य प्रदेश है जो मुगल शासकों के नियंत्रण में कम समय तक था इसलिए इस कला पर मुग़ल काल का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है लेकिन जैसे देखिए पहाड़ी है राजस्थानी है कांगड़ा चित्रकला है तो इन सब पे है मुगल चित्रकला का प्रभाव था भाई किसके किसके ऊपर प्रभाव था तो पहाड़ी पे था राजस्थानी पे था और कांगड़ा चित्रकला पर था मुग़ल कला का प्रभाव लेकिन कालीघाट पर नहीं था ठीक है ना क्योंकि ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का रीजन जो है यहाँ पर मुगल का शासन बहुत कम क्षेत्र तक रहा फिर एक और क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं सीधा मैं उत्तर पे आता हूँ मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे तो कौन से प्रसिद्ध विधिवेता थे तो ये ये थे विज्ञानेश्वर हिमाद्री और वाहन देखिए विज्ञानेश्वर हिमाद्री एवं वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे विज्ञानेश्वर ने याग्वलक स्मृति पर टीका मिताक्षरा तथा वाहन ने याग्वलक स्मृति पर टीका दायभाग नाम से लिखा है हिमाद्री ने मनुस्मृति पर टीका लिखा राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे इन्होंने कर्पूर मंजरी नामक नाटक की रचना की थी मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति संभव है तो मोक्ष की प्राप्ति संभव है कर्म द्वारा मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कर्म द्वारा संभव है इसमें ज्ञान के स्थान पर वैदिक कर्मों के अनुष्ठानों को ही साधन स्वीकार किया गया है मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी हैं जिनका ग्रंथ मीमांसा सूत्र इस दर्शन का सूत्र है चलिए चौथे नंबर पे आते हैं हम लोग चोल कला में निर्मित नटराज की कांस प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्रायः है तो प्रायः चतुर्भुज है देखिए चोल कला में निर्मित नटराज की कांस प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्रायः चतुर्भुज है नटराज की जो कांस्यमु मूर्ति है है ना आप देखते हैं नटराज की जो कांस्य मूर्ति आपको देखने को मिलती है वो चोल कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है अब आप में उसमें बताना है कि उसमें जो शिव हैं वो नटराज में जो शिव जी का जो वर्णन है वो बाएं पैर पे खड़ा है या दाहिना पैर पे खड़ा है ये बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा छठे नंबर पे आते हैं अष्ट प्रधान नाम्स की मंत्रिपरिषद थी तो ये थी मराठा मराठा प्रशासन में आसान क्वेश्चन भी यूपीएससी भी कई बार देती है तो इसमें देखें आ, इसका क्या हम लोग देख सकते हैं अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद मराठा प्रशासन में थी शासन कार्यों में सहायता के लिए शिवाजी ने इसका निर्माण किया था ये मंत्री शिवाजी के सचिव के रूप में कार्य करते थे इनकी भूमिका मात्र सलाहकार की थी जरूरी नहीं था कि ये कोई डिसीजन मेकर नहीं थे बस सलाहकार थे ये अब ये देखिए ये भारत का मानचित्र है मैंने अपने तरीके से बनाने की कोशिश की है ठीक है ना तो इसमें दिल्ली से लेकर के यहाँ पर नीचे तक जो है यहाँ तक गया है साउथ इंडिया में रामेश्वरम तक ये क्षेत्र है चेन्नई के तमिलनाडु के तो मानचित्र पर दिए गए मार्ग का सैन्य अभियानों में अनुसरण किया था तो इसने किया था मलिक कपूर ने मलिक कपूर जो था ना मलिक कपूर एक हिजरा था ठीक है ना और इसने क्या है जो बहुत अलाउद्दीन खिलजी का इसने जीत रखा था विश्वास और काफ़ी होनहार सिपाशाल था अलाउद्दीन खिलजी का तो इसने अपने सैन्य अभियान में जो है इसका पूरा नाम था मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर यही नाम था इसका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था दक्षिण विजय के क्रम में ये देवगिरी वारंगल होए साल मालाबार और मदुरै को जीते हुए रामेश्वरम तक पहुंच गया था तो इसलिए जो है सो खास है आगे हम लोग देखते हैं नस्तलिक है नस्तलिक क्या है तो एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी नस्तलिक क्या है एक प्रकार की फारसी लिपि है ठीक है और ये जो है ना उर्दू की प्रारम्प पारम्परिक लिपि है ये ठीक है ना ये फारसी लिपि ही चलती थी उस समय में तो नस्तलिक जो है क्या थी फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी उर्दू उर्दू सब यहीं से निकली है उर्दू की पारंपरिक लिपि यही रही है आगे हम लोग देखते हैं नाइन्थ नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का साधन है ठीक है ना नाइन्थ नंबर का पूरा एक्सप्लेनेशन है ये तो देखिए भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ग्यारह से बारह तक थे ये ग्यारह से बारह तक थे ये तो ये ग्यारह से लेकर बारह तक थे ठीक है न ये गलत जगह पे मैंने लिख दिया है इसको ठीक है मोइनुद्दीन चिश्ती सोफ़ी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है और इनका जो काल था ठीक है ना ये था ग्यारह से बारह सौ छत्तीस से बारह तक इनका काल था तो इसमें क्या है ना कि इसने मौदुद्दीन चिश्ती जो थे वो वो ख्वाजा मौदुद्दीन चिश्ती बोलते हैं अजमेर शरीफ में उनकी दरगाह है तो भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना ख्वाजा मौदुद्दीन चिश्ती नहीं की थी अजमेर में इन खानखा की स्थापना की संगीत को महत्व देते थे इनका मानना था कि संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का साधन है इस्लाम में बाद में संगीत की मनाही कर दी थी औरंगजेब ने वो अलग केस है उसको फिर बाद में देखेंगे मुग़ल चित्रकला जहांगीर के राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची ठीक है ना ये तो है ही लेकिन इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चंस वेरिएशंस करके आते हैं तो देख देखिए मुगल चित्रकला के राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची जहांगीर ने स्व चित्रकला में रुचि ली एवं कई चित्रकारों को प्रश्रय दिया इसको थोड़ा डिटेल से इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत है क्योंकि यूपीएससी और बीपीएससी में घुमा घुमा के ये क्वेश्चन पूछा जाता है ग्यारहवें नंबर पे हम लोग आते हैं मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासतौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ़ सुथरा प्रशासन लागू हो सके भाई सीधा इसको घोट लेना है तो मनसबदारी प्रथा जो थी वो पंद्रह सौ पचहत्तर में अस्तित्व में आई मनसब शब्द का अरबी भाषा में अर्थ पद होता है अकबर द्वारा प्रारंभ की गई इस व्यवस्था में दिए गए पद को मनसब तथा प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहा जाता था भाई किसके द्वारा शुरू की गई थी तो अकबर के द्वारा अब देखिए एक बारह नंबर पे हम लोग आते हैं गुरु अर्जुन देव तो गुरु अर्जुन देव का संबंध किससे है तो ये आदि ग्रंथ से है हमने उस समय के क्वेश्चंस के अनुसार से सीधे क्वेश्चन और उसके सीधे वन लाइनर तैयार किए हैं तो आप इसको देख लीजिएगा गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को सोलह में पूर्ण किया कब किया सोलह सौ में सोलह ईस्वी में इसको पूर्ण किया इसमें पांच सिख गुरु थे और 18 हिंदू भक्त तथा संत कबीर नामदेव आदि के उपदेशों को इसमें संकलित किया गया है मीरा और पीरी गुरु हरविंद हरगोविंद मंजी अमरदास तथा दल खालसा गुरोविंद सिंह से संबंध है ठीक है ना आगे हम लोग देखते हैं कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी तो ये थी कि की, की थी रसखान ने ठीक है ना कई बार क्वेश्चन आता है तो रसखान क्या है भक्ति रस के कवि हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि रसखान का समय कब से था पंद्रह सौ से सोलह सौ अट्ठाईस तक था ठीक है ना पंद्रह सौ से लेकर के सोलह सौ अट्ठाईस तक था यू पी एस सी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगी ईयर वाला क्वेश्चन नहीं देगी लेकिन बी पी एस सी को इस तरह के मजे लेने की बहुत आदत है तो बी पी एस सी में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं तो रसखान जो था ना लगभग पंद्रह सौ से लेकर सोलह सौ अट्ठाईस अट्ठाईस तक थे ये हिंदी के कवि थे मुस्लिम थे परंतु भगवान श्री कृष्ण के भी अनुयायी थे इन्होंने प्रेम वाटिका नामक काव्य की रचना की है भक्ति रस के कवि थे ये अब आगे देखते हैं अपनी शक्ति को अपनी शक्ति को सुमिलित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की तो जिले इलाही की उसने उपाधि जो थी उसने बलवन ने धारण की थी बलवन ने जिले इलाही नामक उपाधि धारण की तूतीय हिंद का संबंध अमीर खुसरो से है कैसरे हिंद का संबंध महारानी विक्टोरिया से तथा दीन ए इलाही अकबर का परिवर्तित धर्म है तो ये सब बेसिक फैक्ट है ये आपको ध्यान में रहना चाहिए बलवन जिले इलाही हो गया ठीक है ना तृतीय हिंद अमीर खुसरो हो गए कैसरे हिंद महारानी विक्टोरिया हो गई दीने इलाही अकबर हो गए ठीक है तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रहना चाहिए चलिए आगे देखते हैं अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था तो ये था बख्शी ठीक है अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीरबक्सी इसका कार्य सैनिकों की भर्ती करना होलिया एवं दाग शस्त्र रसद आदि की देखभाल करना पदोन्नति एवं वेतन देना था ठीक है आगे हम लोग देखें सोलह पर भारत में सोफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती थे भाई वापस आ गया ना ये क्वेश्चन घूम के देखिए भारत में सोफियों के चिश्ती धर्म के प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा ख्वाजा मोहदुद्दीन चिश्ती थे मोहुदुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी की सेना के साथ ग्यारह सौ बिरानवे ईस्वी में भारत आए थे कब आ गए थे तो ग्यारह सौ बिरानवे ईस्वी में भारत आ गए थे और अजमेर को अपना निवास बना लिया चिश्ती शब्द जो है ना अफ़गानिस्तान के गाँव चिश्त से लिया गया है जहाँ के वो रहने वाले थे इसी के नाम पर उसको चिश्तिया संप्रदाय बोलते हैं महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं की के कृतिकारों और उनकी कृतियों के युग में सही सुमिलित है तो यह है पंपा कन्नर ठीक है ना पंपा ने कन्नड़ भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था इस क्वेश्चन में यही था तो इसलिए सीधे पंपा कन्नड़ को एकदम घोट लीजिए अट्ठारह है अबुल फजल ने अमेरिका की खोज की खोज का उल्लेख किया है अब अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है कब किया है अबुल फजल ने कई ग्रंथों की रचना की तथा अमेरिका की खोज का भी उल्लेख किया था अकबर के टाइम में कर दिया था अमेरिका की खोज का उल्लेख उसने शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह था तो वह था सुमंत ठीक है ना सुमंत जो है विदेशी मामलों की देखरेख करता था और इसमें हम लोग और का देख सकते हैं तो देखिए सचिव जो था ना वह पत्रा पत्राचार विभाग की देखरेख करता था पंडित राव धार्मिक मामलों में छत्रपति का प्रमुख सलाहकार था, था पेशवा मुख्यमंत्री होता था प्रशासन का निरीक्षण करता था वो सुमंत विदेशी मामलों की देखभाल करता था कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से सामरिक महत्व का जो जगह था ना वो उसके हाथ से निकल गया तो शाहजहाँ ने सोलह में ईरानियों से कंधार वापस प्राप्त कर लिया परंतु सोलह में पुनः खो दिया कंधार मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था देखिए सल्तनत काल में फाजिल का अर्थ था तो फाजिल कर तथा था तो द्वारा सरकारी खजाने में जमा की गई की जाने वाली अतिरिक्त राशि अभी भी बोलते हैं ना फाजुल एक शब्द है वो फवाजिल से मतलब लिया, लिया लिया गया बोलते हैं ना इतना फाजुल है फाजुल मतलब इतना व्यर्थ है तो फाजिल से लिया गया है तो देखिए एकता पाने वाला व्यक्ति सुल्तान की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिक रखता था तथा राजस्व की वसूली करता था वह सैनिकों का वेतन और अपना खर्च काट कर से सुल्तान को भेज देता था जिसे फवाजिल कहा जाता था बाईस नंबर देखते हैं दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था तो वो ये था फिरोजता तुगलक ठीक है ना तो इसने क्या किया था तो फिरोजाह तुगलक ने बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण व पुनर्निर्माण करवाया था सिंचाई कर लिया करता था ये ठीक है ना तो आगे हम लोग जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा इसको और डिटेल से देखेंगे आगे देखते हैं प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था तो इसमें देखें कि एकता जमीन का एक भाग था जो सुल्तान द्वारा सेना प्रमुख को सैनिक टुकड़ी के रखरखाव हेतु तो दिया जाता था चौबीस देखते हैं शाहजहाँ के शासनकाल में दारा दारासिकों ने बल्क बदखशा और कंधार के अभियान पर भेजा गया था दारा दारासिकों को तो शाहजहाँ के शासनकाल में दारा सिखों को बल्क बदखसा और कंधार के अभियान पर भेजा गया था बाद में हम लोग जानते हैं इतिहास में जो दारा दारासिकोह का क्या हस्र हुआ और औरंगजेब ने सत्ता हथिया ली वैसे पसंद थे दारा दारासिकोह ही लेकिन औरंगजेब अपनी चतुराई से शासक बन बैठा अहदी में घुड़सवार सिपाही थे ठीक है ना तो अहदी में क्या थे घुड़सवार सिपाही थे जिन्हें अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया सम्राट ही जिनका असन्न कर्नल था ठीक है ना इसको क्या बोलते थे आधी बोलते थे आधी वे घुड़सवार सैनिक थे जो सीधे मुगल शासक की सेवा में थे किसी मनसबदार के सैनिक नहीं होते थे इनकी नियुक्ति से वो मुगल शासक करते थे इनका वेतन भी ऊंचा होता था आगे देखते हैं आगे देखते हैं इसमें बोलते हैं सही कालानुक्रम है यानी कि इसमें सबसे पहले कौन बना था ठीक है ना तो इसमें लिखा ही हुआ है कि कुतुब मीनार ग्यारह सौ बिरानवे ईस्वी में तुगलकाबाद का किला तेरह सौ इक्कीस से पच्चीस के बीच में लोधी गार्डन पंद्रह सौ सत्रह में और फतेहपुर सीकरी जो था वो पंद्रह सौ उनहत्तर में बना था ठीक है ना तो इसमें से दो तीन भी आ जाए तो मैचिंग वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है तो इसीलिए आसान क्वेश्चन ही होता है ये आगे देखते हैं सही सुमेल है तो इसमें मैंने सबको सही सुमेल ही कर दे रखा है पंद्रह सौ छप्पन में अकबर का राज्यारोहण हुआ सोलह सौ ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया सोलह सौ छियासी ईस्वी में शिवाजी का देहांत हुआ सोलह सौ उनचालीस ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ देखिए सोलह सौ ईस्वी में जब बनी थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय अकबर का काल था और ये लंदन में बनी थी तो उसको अधिकार दिया गया था कहाँ दिया गया था लंदन में दिया गया था ठीक है भारत में नहीं लंदन में दिया गया था तो आगे हम लोग देखें इस चीज़ को चलिए एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून पंद्रह में राजस्थान के हल्दी घाटी नामक स्थान पर मुगल व मेवाड़ की सेना के बीच लड़ा गया ये अकबर के सेनापति राजा मानसिंह की मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के खिलाफ निश्चित जीत थी अकबर का राज्य रोहन पंद्रह ईस्वी में चौदह वर्ष की आयु में कालानोर नामक स्थान पर हुआ तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको अकबर के बारे में बिल्कुल जान के रखिए आगे हम लोग देखते हैं उन्तीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं सीधा ही ठीक है ना वो मैप वाला क्वेश्चन था मैप वाला क्वेश्चन हम लोग फिर अलग से मैपिंग सेक्शन में देखेंगे काव्या अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था तो ये था अमीर खुसरो ठीक है अमीर खुसरो का टाइम कब से कब तक था ये बारह सौ तिरपन से लेकर तेरह सौ पच्चीस ईस्वी तक था एक फारसी कवि था दिल्ली सल्तनत के शासकों से संबंध रखता था इन्होंने अरबी तथा फारसी में कविताएं लिखी तथा उर्दू भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति यही थे अब आगे देखते हैं हम लोग घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था तो कब होता था ये तो देखिए दुई अस्पा सिंह अस्पा प्रणाली का प्रारंभ जहांगीर ने किया था तो उसी समय ये जो है किया गया था ठीक है ना अकबर उसका नहीं किया था दुई अस्पा सिंह अस्पा का नहीं किया था ये कौन किया था जहांगीर किया था ये बेसिक चीज़ है याद रहना चाहिए ध्यान रहना चाहिए बत्तीस नंबर पे आते हैं <tahkassin> दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए जिनके कारण जिनका कारण था विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव देखिए दक्षिण भारत के संबंध में है ये दक्षिण भारत के इतिहास में उससे असंगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए इसका कारण दक्षिण भारत में विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव था ठीक है ना इसलिए वहाँ जितने राज्य थे वो क्या थे छोटे छोटे थे लेकिन बड़े महत्वाकांक्षी थे अभी भी आप दक्षिण की फिल्में देखेंगे तो बहुत सारे राज परिवार से संबंधित कोठियाँ आपको देखने को मिलेगी खास करके हॉर मूवीज़ में आजकल वहीं शूटिंग होती है चलिए थर्टी थ्री को देखते हैं राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्र टिप्पणी की थी तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के ऊपर में तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो गई थी तो तेरह सौ इक्यावन ईस्वी में इसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो उसका चिचेरा भाई था उत्तराधिकारी बना जैन उल आबादीन द्वारा पूरी की पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताओं में शामिल है तो बुर्ज है बौद्ध पैगड़ाओं से समानता है और फारसी शैली है ठीक है ना तो ये बेसिक है जामा मस्जिद भारत के श्रीनगर जम्मू तथा जम्मू तथा कश्मीर में है श्रीनगर की जामा मस्जिद पुराने शहर के मध्य नौहत्ता में स्थित है इसका निर्माण 1400 सौ ईस्वी में सुल्तान सिकंदर ने कराया था बाद में इसके पुत्र व कश्मीर के शासक जैन अलबादिन ने इसका विस्तार किया जैन उल अबादिन को क्या बोलते हैं अकबर बोलते हैं कहाँ का अकबर बोलते हैं कश्मीर का अकबर बोलते हैं पैंतीसवें नंबर पर आए तो जहांगीर ठीक है ना जहांगीर के साथ कौन मिला था विलियम हॉकिंस शाहजहां से कौन मिला ट्रैवरियर औरंगजेब से कौन मिला मनुची मिला ठीक है ना तो सर टामस रो सोलह से सोलह तक भारत में रहा ये जहांगीर के दरबार में आया टामस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था जहांगीर ने इसे खान की उपाधि प्रदान की थी इंग्लिश खान बोलता था इसको अब छत्तीस का देख लेते हैं सीधे बड़े सामंतों का आवंटित भूमि जागीरदारी प्रणाली में थी मालगुड़जाड़ी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों का आवंटित भूमि ज़मींदारी प्रणाली थी उप किरायेदारी पर देने गिरवी रखने हस्तांतरण करने उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि रैयतवाड़ी प्रणाली थी ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती महालवाड़ी प्रणाली थी ठीक है ना तो सारी प्रणाली जो है वो बिल्कुल भी याद रखिए एक बार मैं फिर से बोलूँ महालवाड़ी व्यवस्था जमींदारों द्वारा व्यवस्था रैयतवारी व्यवस्था सरकार व रैयत के बीच सीधा संबंध जमींदारी व्यवस्था जमीन राजस्व संग्रह करने वाले किसानों को दी जाती थी ठीक है ना? आ गया समझ में सैंतीस नंबर पे आए संभाजी के बाद बालाजी विश्वनाथ ने मराठा प्रशासन को सरल बनाया ठीक है ना? संभाजी के बाद बालाजी विश्वनाथ ने मराठा प्रशासन को क्या बनाया सरल बनाया तो देखिए संभाजी सोलह सौ अस्सी से लेकर सोलह सौ नवासी के बाद राजा राम शिवाजी द्वितीय व ताराबाई तथा साहू जी गद्दी पर आसान हुए बालाजी विश्वनाथ ने साहू की जीत के समय महत्वपूर्ण योगदान दिया इस जीत से समस्त मराठे सरदार साहू के पक्ष में हो गए अब आगे देखते हैं हम लोग सही कालानुक्रम को देखते हैं कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था 1206 से लेकर 1210 के बीच में फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई तेरह में पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ चौदह में और विजयगढ़ नगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल था पंद्रह से लेकर के और कब से कब था 1509 से लेके 1530 तक था ठीक है आगे क्वेश्चन पे देखते हैं इकता इकता से संबंधित कौन था दिल्ली के सुल्तान जागीर मुगल अमडम विजयनगर मोकस मराठे क्या कुछ आया समझ में तो ये देखिए मैं थोड़ा और खोल के बता दूँ विभिन्न प्रणाली और उससे संबंधित शासन का सही सुमेलन है ये विभिन्न प्रणाली यानी एकता क्या थे एक प्रणाली थी किसने किया दिल्ली के सुल्तान ने जागीर क्या था मुगल ने दिया जागीर देनी शुरू की लोगों को यानी जमीनों का टुकड़ा ताकि वो सेना से बाद में मदद करें अमरम विजयनगर कर देते थे और मोकस देने शुरू किए किसने मराठे ने चलिए आगे देखते हैं इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी ठीक है ना इब्राहिम आदिल शाह का शासन कब से कब तक था पंद्रह से लेकर सोलह तक था ये बीजापुर सल्तनत के शासक थे इसके इसको प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी ठीक है ना? आगे देखते हैं हम लोग कि जो बड़े बड़े संत थे वो आखिर कौन से व्यवसाय से अपना जो है संबंध रखते थे जैसे नामदेव थे वो दर्जी थे कबीर थे वो जुलाहा थे रविदास थे वो मोची थे और सेना जो थे ना ये भी एक संत थे ये क्या थे नाई थे फोर्टी थ्री पर आते हैं चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खान के अधीन मंगोलों ने कब आक्रमण किया था तो इल्तुतमिश के शासनकाल में तो इसमें देखिए इसमें क्या चीज़ है चंगेज़ खान की मृत्यु कब हो गई बारह में हुई इसके नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश का शासनकाल कब से था बारह सौ ग्यारह से लेकर छत्तीस का तक था परंतु वह भारत के अंदर तक नहीं आया क्योंकि इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म को जो ख्वारिज्म के शाह को शरण देने से इनकार कर दिया था इस जिसका पीछा चंगेज खान कर रहा था तो ख्वारिजम का शाह जो था ना वो भाग रहा था चंगेज खान से तो उसको भारत में रखा ही नहीं था चंगेज खान वापस लौट गया बाबुल मक्का।, मक्का 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 बाबुल द्वार सूरत को कहा जाता था कि कब कहा जाता था तो मुगल काल में कहा जाता था क्यों कहा जाता था क्योंकि देखिए मुगल काल में सूरत बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से प्रारंभ होती थी ठीक है आगे देखें दीवाने बंदगानी ठीक है ना दीवाने बंदगानी किसे संबंधित था तो तुगलक से संबंधित था तो दीवाने बंदगा बंदगान फिरोज़ तुगलकों का गुलामों का विभाग था दीवाने मुस्तखराज जो था वह अलाउद्दीन खिलजी का भूड़ा जैसे विभाग था दीवाने कोही जो था मोहम्मद बिन तुगलक का कृषि विभाग था दीवाने अर्ज जो था वो बलवन का सैन्य विभाग था आगे देखते हैं हम लोग फोर्टी सिक्स आते हैं छियालीस पे खानवा का युद्ध खानवा का युद्ध जो है दीवाने ये हो गया खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लादी लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय था ठीक है ना तो देखिए खानवा का युद्ध कब हुआ था तो बाबर द्वारा राणा सांगा पराजित हुआ पानीपत के प्रथम युद्ध में और बाबर देखिए बाबर द्वारा राणा सांगा पराजित हुआ पंद्रह में ठीक है ना और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ पंद्रह पंद्रह सौ छब्बीस में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था जिसमें कि बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित किया था देखिए आगे देखते हैं रामानंद रामानंद क्या थे भक्ति संत थे ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था ठीक है ना तो इसमें क्या था रामानंद का टाइम क्या था तेरह से लेकर चौदह थे पहले भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश का प्रचार प्रसार हिंदी में किया भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय भी इन्हीं को है फिरोज़ तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था ठीक है ना किसने तो फिरोज तुगलक ने इसको हमने कई बार देखा है फिरोज तुगलक ने गुलामों के लिए एक विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोजा तुगलक गद्दी पर बैठा सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा का प्रारंभ किया था तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं एकदम ध्यान रहना ही चाहिए पचासवा नंबर है शाहजहाँ ने बल्ख अभियान का उद्देश्य था तो स, बल्ख अभियान का क्या उद्देश्य था तो काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखशा में एक मित्र शासक को लाना ठीक है यही था दरअसल शाहजहाँ ने बल्ख व बदखसा में मित्र शासक को गद्दी पर बैठाया ताकि वहाँ के कबीलाई विद्रोहों पर नियंत्रण रखा जा सके इक्यावन पे आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद दो वर्षों तक स्वर्ग स्वर्गद्वार नामक शिविर में रहा उस समय दिल्ली में प्लेग फैला हुआ था तो प्लेग से दिल्ली बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे इसलिए वो कहाँ पर रहा बाहर रहा था वो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दुर्भिक्षा के कारण दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में मानव व पशु मारे गए जिससे महामारी फैल गई अतः उसे बचने के लिए मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली छोड़ दी और दो वर्षों तक कन्नौज के निकट स्वर्ग स्वर्गद्वारि नामक शिविर में रहा इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है क्योंकि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ स्वयं को भी आ, आ, सा, सा, साथ साथ स्वयं के लिए भी नियम बना दिए थे ठीक है ना मतलब खुद का भी नियम बना दिया था तो ये किसने किया था ये किया था आ, सुल्तानों ने आगे हम लोग देखते हैं सरिया पे नहीं चला था वो अपना नियम भी बना के चलता था सुल्तान लोग भारतीय इतिहास में सूफीवाद तो शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी शेख निजामुद्दीन अलिया का शिष्य था भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख निजामुतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी ये जो सही है मैंने बस उसी को लिखा है ताकि आपको याद रहे देखिए नक्सबंदी संप्रदाय के सूफी संत अहमद सरहिंदी अकबर व जहांगीर के समकालीन थे कादरी संप्रदाय को भारत में प्रथम बार शेख निजाम जिनकी मृत्यु हो गई थी चौदह ईस्वी में तथा मकदुम मोहम्मद जिलानी जिनकी मृत्यु हो गई पंद्रह सौ सत्रह ईस्वी में लेकर आए थे चलिए आगे देखते हैं हम लोग चलिए इसमें अब मैं इनकी व्याख्या थोड़ा सा रोक देता हूँ व्याख्या के लिए अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं व्याख्या फिर इसकी अलग से कर दूंगा फिफ्टी फोर नंबर क्वेश्चन से मैं बस एक बार इन सारे फैक्ट्स को आपको बता देता हूँ ताकि हमारा जो क्लास है वो पूरा हो सके सम्राट अकबर ने पंद्रह में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया था शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए किसने शाह द्वितीय ने सलोव नरसिम्हा ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी धारण की मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठे समग्र देशीय शक्ति के रूप में उभरकर सामने आए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में आलम खान इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था धर्मठ का युद्ध औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच हुआ था मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत हुआ एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए और मार डाले गए हिन्दू देवी देवताओं तथा तो मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था भारत में कवाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभक अमीर खुसरो थे सुल्तान कुतुबुद्दीन एबक की मृत्यु चौगाना कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने से हुई नरसिम्हा सुलूभ ने संगम वंश का अंत किया और सुलूभ वंश का प्रारंभ किया वीर नरसिंहा ने अंतिम सुलूभ शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलूभ शासक को गद्दी से उतारकर शासन शाच्ची छीना शाच्ची वीर नरसिमहा ने उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे कृष्णदेव राय ने उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे अर्ध भाई यानी सौतेले भाई दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन दीन महमूद था अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया किसने दिया था औरंगजेब ने दिया था ये सिख गुरुओं से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने गुरु अर्जुन देव ने सिखों को अपनी लिपि गुरुमुखी दी अंकोरवाट मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुआ जब राजा वेडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक वेंकट द्वितीय था वर्ष सोलह सौ तेरह ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कारखाना सूरत में स्थापित करने की अनुमति मिली मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया दिल्ली की गद्दी पर अफगान शासकों का सही कालानुक्रम हम लोग देखें तो बहलोल खान लोदी चौदह से चौदह तक था फोर फोरटीन नवासी सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी 1489 से 1517 तक था और इब्राहिम लोदी है 1570 से 1526 तक ठीक है ना भलो लोदी बहलोल भा, खान लोदी 1451 से 1489 सिकंदर शाह 1489 से 1517 इब्राहिम लोदी 1570 से 1526 ट्वेंटी समकालीन भक्त तुकार थे तो ये समकालीन थे जहांगीर के भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल्ला हमीद लाहौरी कौन थे तो ये शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार थे ये प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके छप्पन तक्षित स्तंभ में स्वर म्यूजिकल नोट्स निकालते हैं अवस्थित हैं तो ये कहाँ अवस्थित हैं यह अवस्थित है हम्पी में जहांगीर मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी में अंग्रेजों ने जहांगीर की मदद से सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी नागार्जुन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे तुकाराम त्यागराज वल्लवाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे ठीक है ना? तुकाराम त्यागराज वल्लवाचार भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे नागार्जुन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे सेवेंटी नाइन पे आते हैं ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है मध्ययुगीन भारत के इतिहास के संदर्भ में सूफी संत किस सूफी संत ने संत किस तरह के आकर्षक आचरण का निर्वाह करते थे तो ध्यान लगाते थे ध्यान और श्वास नियमन एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे गुरु नानक उस समय उपदेश देते थे जब लोदी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ बाबर और नायक नानक का समय एक ही था सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है न कि कोई ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक उन्नीस में लॉर्ड कर्जन द्वारा लिया गया बंगाल का विभाजन बना रहा सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना था तो यह था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पदनाम प्रयुक्त होते थे तो प्रयुक्त होते थे ग्राम मुखिया के लिए भारत में बाबर के आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूरी यानी तैमोरी राजवंश स्थापित हुआ हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है अब ये देखिए भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः थे तो सामान्यतः क्या थे तो ये योद्धा थे सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन किया था ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट निरूपित करता है तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र यानी वाटर व्हील को मध्यकालीन भारतीय संस्कृति इतिहास में तमिल क्षेत्र से सिद्ध सितर एकेसरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी ये दो क्वेश्चंस, दो और लेते हैं दो व्याख्या को कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे ठीक है ना ये सब कहाँ होता था तो देखिए इसको मैं एक वापस से बता दूँ तो कृष्णदेव राय के शासन में भूमि कर सरकार की राजस्व का प्रमुख स्रोत था उचित राजस्व के आकलन के लिए संपूर्ण भूमि को चार भागों में वर्गीकृत किया गया था गीली भूमि सूखी भूमि बगीचे और जंगली जंगल भूमि सरकार ने अन्य कर जैसे चराई कर सीमा कर बागवानी कर और विभिन्न उत्पादों पर उद्योग कर भी लगाए थे इसमें और भी चीज़ कुछ है जैसे पर्सियन राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर अदालत के द्वारा लिखे गए यात्रा वृतांत से दोनों कथन का पता चलता है ये देखिए इसके बाद देखते हैं नाइन्टी में परम्परा चलिहा साहिब उत्सव समुदाय सिंधियों का है तो देखिए चलिहा सिंधुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसमें वे अपने आराध्य देव झूले लाल की प्रार्थना करते हैं नंदा राजा जात यात्रा उत्तराखंड में घडवाली और कुमायूनी लोगों का त्यौहार है वाड़ी वारकरी पैदरपुर महाराष्ट्र का एक त्यौहार है जो मराठों द्वारा मनाया जाता है अब लास्ट देखते हैं सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है तो यह है अर्सवल्ली सूर्य मंदिरों के लिए कौन सा विख्यात है तो ये अर्सवल्ली है अरसवली सूर्य मंदिर आंध्र प्रदेश के उक्त स्थल पर अवस्थित है जिसका निर्माण सातवीं सदी में किया गया था अमरकंटक एक पवित्र हिंदू धर्मस्थल है किंतु सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध नहीं है ओंकाश्य भाग शिव को समर्थित एक मंदिर है देखिए बेसिक है नाइन्टी फाइव क्वेश्चन है ये वैसे सारे क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी ने अभी तक बीस सालों में पूछे हैं ठीक है ना तो जो भी क्वेश्चन है आप, बीस सालों में यू ने जो मध्यकालीन इतिहास में पूछा है वो यही है इसे संबंधित दो चार क्वेश्चन जो है ना हमेशा बी में या कहीं ना कहीं रिपीट होता है सीधा क्वेश्चन रिपीट होता है या क्वेश्चंस के आजू बाजू कुछ घूमता है तो आगे हम लोग इसी सेक्शंस में और भी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे अभी के लिए इतना ही क्लास थोड़ी लंबी हो गई अभी के लिए इतना ही और भी क्लासेस लेके हम लोग रेगुलर में आते रहेंगे अभी के लिए इतना ही धन्यवाद